बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाफा चीमा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की कितनी अकसाम हैं। और ये आज का सेशन ख़ास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन इनको बेसिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स और बेसिक और लीगल जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, और इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और आपके बिज़नेस को किस तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम आज का सेशन करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तीन जो है ना वो बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एक बिज़नेसमैन को ज़रूरत पड़ती है, जिनमें रजिस्ट्रेशन की आम तौर पे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो जिस तरह का आप बिज़नेस करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो डिपार्टमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बेसिक तीन डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत हर बिज़नेसमैन को पड़ती है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं, वो है FBR जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि टैक्सेशन को मैटर्स को देखता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है SECP जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन और NGO वगैरह की इनकॉर्पोरेशन होती है वहाँ पर बनती हैं, उस डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये तीन मेन डिपार्टमेंट्स हैं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बात करता बताता चलूँ कि ये तीन मेन कैटेगरीज़ हैं बिज़नेसेस की, जिसमें जनाब इंडिविजुअल है, AOP है जिसको पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं, और इसके बाद आ जाती है कंपनी। कंपनी किसी भी तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, और आगे डिटेल में इन सब पे बात करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करता है, ठीक है, तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब बात करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन की। तो इंडिविजुअल को, सोल प्रोप्राइटर को FBR में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है। FBR में जनाब अपना NTN बनाए, खुद बनाए या कंसल्टेंट के थ्रू बनाए, उसमें अपने बिज़नेस का नाम ऐड करे, ठीक है, और अपना कारोबार शुरू कर दे। इसके अलावा उसे कहीं रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, अनलेस कि वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके लिए स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो। जिस तरह के कोई हेल्थ केयर का काम करता हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट से उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई अगर फूड का काम कर रहे हैं, फ़ास्ट फूड का काम कर रहे हैं या और भी कोई फूड से रिलेटेड काम है, तो उनको जनाब फूड अथॉरिटी से एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। अगर वो एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंडिविजुअल को सिर्फ FBR से NTN ले और अपना काम शुरू करे और FBR की कंप्लायंस जो है ना वो करता रहे। तो इसके बाद आ जाता है सेकेंड डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिविजुअल अगर इस तरह का काम है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या फैसिलिटेशन देता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन के, ये सेशन किसी और वक्त में करेंगे। लेकिन मोटे मोटे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई आपका काम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है AOP, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म या सिंपल लैंग्वेज में हम उसको फर्म भी कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन की शराकतदारी के एक कारोबार को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसमें जो लिमिट, वो ये इसकी रिक्वायरमेंट बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि दो बंदे या दो से ज़्यादा उनकी शराकतदारी को हम पार्टनरशिप कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 20 से ज़्यादा की शराकतदारी पार्टनरशिप फर्म के अंडर नहीं हो सकती। इसमें होता यूँ है कि आप जनाब अपने पार्टनर्स के साथ तमाम मामला तय कर लेते हैं, फिर इनको रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं एक स्टाम्प पेपर पे, जिसकी मालियत कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। उस पे आप तमाम अपने मामला जो भी उनके साथ तय हुए टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखते हैं, जो भी आपने अपने बिजनेस का नाम रखा वो लिखते हैं, और उसके बाद पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग लिखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग वो लिखते हैं। देन जनाब उस पर दो विटनेसेस के नाम आते हैं, उनके साइन आते हैं, पार्टनर्स के साइन आते हैं, फिर हम आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये रजिस्टर होती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसको रजिस्टर करता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जब हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अप्लाई कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो हमें फॉर्म सी इशू करता है। फॉर्म सी ऐसे ही है जैसे एक इंडिविजुअल का ID कार्ड होता है, इस तरह पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म सी होता है, वो उसका ID कार्ड होता है जिस पर उसका बिजनेस का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, और इस पर एक इनकॉर्पोरेशन नंबर और डेट मेंशन होती है, जो कि इस पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन का एक प्रूफ है। उसके बाद अब पार्टनरशिप फर्म को लेके जाना होता है हमने FBR में, ठीक है, FBR में रजिस्ट्रेशन उसकी करानी होती है, और साथ ही साथ इसके तमाम पार्टनर्स की FBR में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फर्म का भी NTN बन जाता है और पार्टनर्स का भी NTN बन जाता है। इसके बाद आ जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
ये भी सेम उसी तरह के इंडिविजुअल, अगर आपकी चॉइस है या आपका काम इस तरह का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या कोई, उसमें डिटेल में और बातें करेंगे, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी में कई एग्जाम हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है या SMC हो सकती है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा SCCP में, इसकी रजिस्ट्रेशन SCCP में होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जितने पार्टनर्स हैं उन तमाम के आईडी कार्ड्स की कॉपी हमें चाहिए होती हैं। फिर इसके बाद मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनता है, इसकी एक तरतीब होती है जिसमें सबसे पहले हम नेम की अवेलेबिलिटी लेते हैं, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनकॉर्पोरेट जब हो जाती है तो SCCP हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करता है जिसपे कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा होता है, और वो जो है ना वो कंपनी का आईडी कार्ड होता है, प्रूफ होता है उसकी इनकॉर्पोरेशन का। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 2 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हमारे होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज़ के लिए। फिर आगे इसकी फर्दर जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो हो गया SCCP में रजिस्ट्रेशन। इसके बाद होती है इसकी FBR में रजिस्ट्रेशन। तो इसके NTN बनता है, इसके जितने तमाम पार्टनर्स हैं उनके NTN बनता है। और आजकल तो ये जना वन विंडो ऑपरेशन के तहत SCCP में इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही इसका कंपनी का NTN भी बन जाता है और तमाम शेयर होल्डर्स का NTN भी बन जाता है। दो हो गया, SCCP हो गया और FBR हो गया। इसके बाद आ जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल होता है कि आपकी चॉइस होती है, दूसरे नंबर पे आपका बिजनेस किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओरिएंटेड और फलां फलां, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये था कि ताकि आम आदमी के समझ में आ सके कि उसे बिज़नेस किस तरह से करना है, किन किन डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को कोई मिसगाइड ना कर सके, आपको प्रॉपर और मुस्तैद इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और